सत श्रीकाल जी, मैं थोड़ा अपना सिंगर बंसी बनाला। दोस्तों, तुसी मेरिया सारिया ही टिप्पा नूं बहुत प्यार दिता एक सिंगर दे रूप दे विच, ते हुण तुसी मैनूं देखोगे एक नवे रूप दे विच, फिल्म एक्टर दे रूप दे विच। ते असी कट्ठे होए आज भाई चमकीला फोर आवर दी प्रमोशन सैट दे उत्ते। अज असी थोड़े नाल गल्लां करांगे मेरी आने वाली मूवी भाई चमकीला फोर आवर दी। दोस्तों, ये जिहड़ी मूवी आ वर्ल्ड फेमस आवाज भाई चमकीला जी, उन्होंने जीवनी के उत्ते बनी है। तो इस मूवी के विच जिहड़ा मेरा किरदार है वह है सपारी कलर का। असी इस मूवी के विच दो तरह के सिंह दिखाए ने, जिहड़े एक वधिया लहर के नाल तुरे सी, लोगों की सेवा करते सी, ते कुछ इस गए जिहड़े उन्होंने नाँ हेठ चोरियां ठगियां डाके मारदे सी। ते उही मेरा किरदार है सपारी कलर का। उम्मीद है तुसी बहुत पसंद करोगे। ते फिल्म सैट दे उत्ते जी गल करिए तां, क्योंकि मेरा लाइफ का एक नवा तजर्बा सी, क्योंकि सिंगर होने के नाते स्टेजां दे तजर्बे तो बहुत हो चुके आ, ते फिल्म का तजर्बा एक नवी एक्ट्रेस दे नाल मिलना, तो उन्हां वाला देख के कम करन दा मौका मिलना और वधिया कम सीखण दा मौका मिलना। जिहड़ा एक्टर वा उहनूं कोई भी करैक्टर मिल सकदा, ठीक है। एक्टर दा पता उस तो ही लगदा है, अलग अलग तरह दा करैक्टर मिले कि वह उसनूं चंगी तरह निभा सकदा है। तो मेरी ये पहली कोशिश ये सी कि सपारी कलर की, क्योंकि जे लाइफ का फड्डा देखिए तो कुछ इदां दे दौरां चों निकले हुए से, ते इस करके रोल मैनूं वधिया लगा। ते मूवी दे विच कम करके पहला तां सानूं सीखण नूं बहुत कुछ मिलिया, क्योंकि साडा इह पहली वारी इह फड्डा सी, क्योंकि आपां चलो गीतां दे विच तां तकरीबन आप ही वीडियो दे विच कम करदे सी, पर एक मूवी दा एक वड्डे लैवल दा कम उह पहली वारी सी। इस करके सारे ही सीनियर आर्टिस्ट नाल सीगे, उन्हां वाला देख देख के और सारिया ने ही प्यार दे नाल, बड़े वधिया प्यार दे नाल दस्या करन दा मौका दिता। ते तकरीबन जिन्ना भी सैट दे उत्ते एक्ट्रेस आए जां जिन्ने भी सैट दे उत्ते मैंबर से सारे ही वधिया से, हर तो हर एक गल दे विचों सीखण दा मौका मिलदा सी। जे आपां गल करिए गंदे दी, सोच बंदे दी हुंदी है कि किसी चीज़ नूं किस तरह सोचना, जे तुसीं सोच गंदी रखोगे तो तुहानू गंदा लगेगा, जे तुहाडी सोच अपनी वधिया वो सब वधिया लगेगा। जे हुण देखिया जाए कि पहलां दे नालों हुण देखिया जाए कि पहलां तां सिर्फ गाया जांदा सी, हुण फिल्माया जांदा है जी। हुण तां घर दे विच बैठ के देखना बड़ा औखा हुंदा है, एक परिवार दे विच बैठ के इकट्ठियां नूं। ते जे असीं कहीए कि चमकीला गंदा गाँदा सी जी, उह चंगा भी उहने बहुत गाया। मेरियां तकरीबन सरदार दे विच जिन्नियां भी वीडियो आईयां सीयां, ते कुछ फेसबुक दे नाल फेसबुक दे उत्ते उस लुक दियां पिक पईयां होईयां सी, उस तो देख के वीर दीपे राय ने इंग्लैंड तो कॉल कीती कि असी मूवी गानी आ, उस दे विच असी कम करना। ते उहदे बाद वो इंडिया आए ते बैठ के गल होई ते सबब बन गया। बहुत ही वधिया इंसान है दीपे राय, जिहड़ा इंग्लैंड की धरती ते रह के भी अपनी पंजाबी मां बोली सभ्याचार नाल जुड़िया होया है। तकरीबन इंग्लैंड छड के दो तीन साल तो इस मूवी के दुआले आ, ते बहुत ही वधिया इंसान है। ते तकरीबन सारी ही टीम जिन्हें भी मैंबर सीगे, सारे कैमरामैन जिन्ना भी यूनिट सी, सारे ही वधिया सीगे। हर एक ने सानू कोई ना कोई चीज़ सीखण नूं दित्ती है। ते सारी टीम का मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि असी रल के भी अगे भी इवें ही रल के कम करांगे। फिल्म बिल्कुल रिलीजिंग दे उत्ते आ, मैं ऑडियंस अगे बेनती करूँगा सारे ही जाके ये जरूर देखो कि भाई चमकीले दे नाल की होया सी, उहदी जिंदगी कित्थों शुरू हुई सी, कित्थे खत्म हुई। ते तुहानू इस फिल्म दे विच तकरीबन उस समय दा सारिआं नूं दौर देखण नूं मिलेगा कि उस समय विच की होया, नवीं जनरेशन नूं भी जिहड़े उस वेले पैदा भी नहीं हुए से
उन्हां नूं भी पता लगेगा कि भाई चमकीला जिस वेले खाड़े लांदा सी उस वेले दौर किस तरह का चलता सी ते पंजाब का माहौल किस तरह का सी। वो सारिया गल्लां नवीं पीढ़ी नूं भी पता लगणगियां। चलो पुरानी पीढ़ी नूं दुबारा देखण नूं मिलणगियां कि जिन्हां नूं नहीं पता लगा कि चमकीले नूं क्यों मारिया, मारन वाले कौन सी, वो चीज़ असीं तकरीबन विखाई दित्ती है जी। तो मैं सारे ही वर्ल्ड जिन्हें भी पंजाबी बैठे है सारे बेनती करूँगा कि वाई चमकीला फोरएवर नूं फुल सपोर्ट करनी, क्योंकि जे तुसी सपोर्ट करूँगे तो ही असी अगली मूवी लई तैयार होवांगे। रब रखा।